नमस्कार, मैं एलके गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए आम जनमानस के सुझाव मांग रही है। आज की चर्चा का विषय पीड़ित पति। हम अपनी व्यथा और उन पीड़ित पतियों की व्यथा को सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। एक समय था जब महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, दहेज के लिए उन्हें जलाया जा रहा था। पति और परिवार के लोग उसका मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करते थे। केंद्र सरकार ने इस दर्द को समझा और महिलाओं को धारा 498 ए 304 बी जैसे प्रावधानों से सुरक्षा कवच दिया। महिलाओं के संबंध में अपराध करने वाले लोग जेल गए। इन धाराओं का लोगों ने उपयोग किया, परंतु कुछ महिलाएं अपने अहंकार और मनमानी के लिए इन धाराओं का उपयोग करने लगी हैं। यानी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पीड़ित पतियों की व्यथा को देखा, समाज से उन तक सूचनाएं पहुंची, तब उन्होंने विभिन्न मामलों में निर्देश दिए कि पतियों को जेल भेजने और जमानत देने में नरमी बरती जाए। इन कानूनों को कुछ कमजोर किया। परिस्थितियों के साथ साथ हालात बदले और देखने में आया कि छोटे छोटे विवाद, छोटी छोटी बातें, घरेलू मामले, इनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है, लेकिन पत्नियां इसको सहन करना नहीं चाहती हैं और पत्नियां इन विवादों को 498 ए का विवाद बनाकर मुकदमा दर्ज करा देती हैं और बिना कारण निराधार पतियों को जेल जाना पड़ता है या अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो इनके परिणामों के कारण विवाह संबंध ही खत्म हो जाता है। जो लोग इन कानूनों के दुरुपयोग के कारण जेल गए हैं, उन्होंने अपराध नहीं किया, उन्हें झूठा फंसाया गया। वो अपना दर्द खुद समझते हैं। इन कानूनों और धाराओं और मुकदमों के कारण लोगों के धंधे चले गए, नौकरियां चली गईं और मुकदमों के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हैं। पूरी तरह शांति भंग हो गई। वर्तमान समय में देखा गया है कि इस मुकदमे में पति को तो लिखाया ही जाता है, उसके परिवारजनों को लिखाया जाता है, लेकिन जहां ननद जो शादीशुदा है उसका कोई लेना देना नहीं है और उसके पति को भी लिखा दिया जाता है, वो बेचारे बेवजह परेशान होते हैं। हद तो तब होती है कि कई बार शादी कराने वालों को या पड़ोसियों को भी इस मामले में अभियुक्त बनवा दिया जाता है। ऐसे हालातों में वर्तमान समय में जब इन कानूनों का जमकर दुरुपयोग हो रहा है,
आतंकवाद हो चुका है, पति आतंकित है, लोग डर रहे हैं शादी की जाए या न की जाए, दहेज की मांग तो भूल गए, सबसे पहले वो ये देख रहे हैं लड़की ठीक मिल जाए। इस तरह का भय ससुराल वालों के मन में घुस चुका है। अपराध करना तो दूर की बात है, अपराध करने को सोच भी नहीं रहे। आज जमीन और आसमान का अंतर है। जिन महिलाओं का कभी उत्पीड़न हो रहा था, आज वो महिलाएं पति और ससुराल वालों का उत्पीड़न कर रही हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि पत्नी के क्रूर व्यवहार पति को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में पति को भी कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं को क्रूरता के संबंध में 498A का प्रावधान करके सुरक्षा कवच दिया गया है, इसी तरह पति को भी 498A अथवा B जैसा भी केंद्र सरकार उचित समझती है, उत्पीड़न के खिलाफ उसे भी सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए, ताकि जो महिलाएं बेझिझक बिना किसी डर के झूठे मुकदमे दर्ज करा रही हैं उन पर अंकुश लगे। अगर मेरी बात आपको पसंद आती है तो शेयर करके केंद्र सरकार तक अवश्य पहुंचाएं। प्लीज मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।